खबर छुपी लाई, आपकी खबर तेजस सर। सीएम योगी के अस्पताल गोद लेने की अपील का भाजपा नेताओं में दिख रहा असर। बस्ती में युवा भाजपा नेता आलोक सिंह अंशु ने अस्पताल लिया गोद। आलोक सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंझरिया पहुंचकर सुविधाओं का जाना हाल। अस्पताल में फैली दुर्व्यवस्थाओं को स्वयं ठीक कराने का उठाया बीड़ा। मंझरिया स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक तैनाती की प्रशासन से की अपील। अंशु ने कहा कि अस्पताल को विकसित करने के लिए हर संभव मदद करूंगा। कोरोना महामारी से भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। कोरोना ने सभी देशों की स्वास्थ्य सेवा को तहस नहस कर दिया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। भारत के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। यहाँ भी कोरोना ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि चारों तरफ त्राही त्राही मची रही। कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने भी इसका दंश झेला। अस्पताल में कहीं पर बेड नहीं तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी के चलते लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का समय बीत चुका है और समय बीतने के साथ सरकार को यह भी बात समझ में आ गई है कि यदि इस महामारी से लड़ना है तो हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना होगा। जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा नेताओं से अपील की कि वे अपने जिले के एक एक अस्पताल को गोद लेकर उसे विकसित करें, जिसका असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। जहां पार्टी नेता, विधायक और सांसद अपने क्षेत्र के अस्पताल गोद लेने लगे हैं, वहीं बस्ती में भी युवा भाजपा नेता व बस्ती सदर से ब्लॉक प्रमुख के प्रबल उम्मीदवार आलोक सिंह अंशु ने गोटवा स्थित मंझरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया। अस्पताल में पहुंचकर वहां का हाल जाना एवं उस अस्पताल को पूर्ण रूप से विकसित करने का बीड़ा उठाया। दरअसल 22 गांव इसी पीएचसी के भरोसे हैं, जहां लोग पहुंचकर अपना इलाज कराते हैं। लेकिन अस्पताल में जरूरी संसाधनों की कमी के चलते उन्हें शहर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिसे चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आलोक सिंह ने कहा कि मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा और इस अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोग अस्पताल में समुचित इलाज करा सकेंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।